मंडे नाइट रॉ के अंदर ट्रिपल थर्ड मैच रोमन रेस वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस बिगी। इस मैच के ऊपर कुछ रोमन रेस ने इंटरेस्टिंग कमेंट किया है और रोमन रेस ने भी इस बात को माना है कि पोटेंशियल है बिगी और बॉबी लैशली में। तो भैया क्या कुछ बातें की है, डिटेल में जाने वाले हैं। साथ ही में रैनी ऑर्टन के भी रिगार्डिंग कुछ सैड स्टोरी, क्योंकि वो भी हो चुके हैं इंजर्ड। साथ ही में गाइस WWE का जो ड्राफ्ट था वो भी कर रहा था ट्विटर पर कल रहा ट्रेंड, और निकी बैला ने भी इस बात को कन्फर्म किया है कि वो लेने वाली है अपनी WWE से रिटायरमेंट। तो भैया बड़ी बात ही वीडियो में होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल बने तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देरी नहीं करते, सबसे पहले WWE ड्राफ्ट 2021 के बात कर लेते हैं। और भैया ये हो रहा था ट्विटर पर ट्रेंड, और भैया ये एक दिन पहले की बात है, और भैया जब ड्राफ्ट स्मैकडाउन से पहले होने वाला था एक रात पहले, तब ये ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था और भैया रेसलिंग में ट्रेंड हो रहा था। और भैया 4786 से भी ज़्यादा ट्वीट्स इस पर थे, और भैया ये ड्राफ्ट के लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और भैया पूरी की पूरी WWE ने बहुत अच्छी तरीके से थिंक किया, और भैया ड्राफ्ट इसलिए बहुत ट्रेंड हो रहा था। पहले इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है जब हो रहा था WWE ड्राफ्ट 2021 ट्रेंड, ड्राफ्ट होने से एक दिन पहले ट्विटर के ऊपर, पहले इसके ऊपर आपके रिएक्शन आप मुझे बताना डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो की अगली अपडेट के बारे में, और आज की हमारी वीडियो की अगली अपडेट होने वाली है वो काफ़ी कमाल की अपडेट होने वाली है, वो होने वाली इस बार में स्टेफनी मैकमैन के अपडेट के बारे में। और स्टेफनी मैकमैन ने भी एक नया या फिर कह लो एक नया अवार्ड जीत लिया है, और भैया स्टेफनी मैकमैन से जो है CMO के जो है जो नॉमिनेशंस होते हैं उसके अंदर उन्होंने भी ये जो है अचीवमेंट हासिल की। और भैया पिछले साल वो आई थी सेकेंड नंबर के ऊपर, और भैया इस बार भी उन्होंने इस जो है नंबर को स्टिल मेंटेन रखा है, और भैया इस बार भी वो जो है सेकेंड नंबर पर ही आई है। और भैया पिछले साल भी और इस साल भी उन्होंने जो है सेकेंड नंबर हासिल किया है CMO की जो है पूरी की पूरी थिंग के ऊपर। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, और WWE के लिए भी इंटरेस्टिंग और एक बढ़िया बात है कि भैया उनकी कंपनी से भी कोई जो है मतलब एक बड़ी थिंग के अंदर इन्वॉल्व है, और भैया उसने जो है WWE को फायदा ही पहुंचा है, और भैया काफ़ी अच्छी है थिंक टेबल। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है आप मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अगली अपडेट की हम लोग अब बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी इस बार वैसे अपने रैंडी ऑर्टन के बारे में, और रैंडी ऑर्टन की भी अब थोड़े बहुत जो उनके साथ कुछ थोड़ी सैड न्यूज़ है मेरे पास बताने के लिए। और रैंडी ऑर्टन क्यों नहीं आ रहे रॉ में, तो इसके पीछे रीज़न है कि भैया वो मेडिकली क्लियर पता ही नहीं जा रहे हैं। WWE के जो बैक स्टेज के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उन्होंने रैंडी ऑर्टन को अभी तक क्लियर नहीं किया है। और WWE के बारे में आपको बातें बताया तो देखो ये चीज़ है कि भैया जब कोई सुपरस्टार मेडिकली क्लियर नहीं होता है तो उसके साथ कुछ इश्यूज होते हैं, या तो वो कोई इंजर्ड हो सकता है या फिर उसको कुछ है प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो बताया जा रहा है कि मे बी इंजर्ड हो सकता है, वेल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होने वाली अगर वो इंजरी के सामना कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन के साथ रिडल के साथ सॉरी उनकी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, टैग टीम चैंपियंस है वो काफ़ी बड़ी थिंग है, लेकिन स्टिल उनके हाथ से उनके ये साथ थिंग हो रही है मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत गलत चीज़ें। लेकिन वेल ये रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट है, इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अगली अपडेट की हम बात करें जो कि जुड़ी इस बार निकी बेला के बारे में, क्योंकि निकी बेला ने भी अपनी WWE की ऑफिशियली यहाँ पर कर लो रिटायरमेंट कर ली है, ऑफिशियल तो नहीं वैसे वो कर ली है अनाउंस। और वो बोली कि देखो जो निकी बेला का रिटर्न है वो तो भैया फैंस को देखना ही है, लेकिन वो कह रही है कि देखो अभी रिटर्न करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट मुझे लेनी चाहिए प्रो रेसलिंग से। वेल ये निकी बेला का कहना है, इसके ऊपर कुछ हम कंफर्म कह नहीं सकते। निकी बेला का उससे मानना है कि उनको जो है रिटर्न नहीं करना चाहिए बल्कि उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। वेल इस पर आपके क्या रिएक्शन से, क्या निकी बेला को सच में प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट लेनी चाहिए, या फिर इसके ऊपर आपको क्या लगता है आपके थॉट्स आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और निकी बेला का आप क्या रिटर्न देखना पसंद करोगे या फिर उनकी प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट देखना पसंद करोगे आप मुझे तो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो की अगली अपडेट के बारे में जो कि बहुत बहुत मेगा स्टोरी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी इस बार में अपने शेन मैकमैन के बारे में, क्योंकि शेन मैकमैन का भी WWE को ड्रैग हो चुका है एक बार। तो भैया क्या कुछ सारा मामला है चलिए जान लेते हैं। और भैया जो शेन मैकमैन है वो आपको पता है बेस्ट जो क्रिएटिव रोल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर वो बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन वो जो है कुछ दिन से बैक स्टेज पे भी नहीं है, और जो अभी फिलहाल
रीजन निकल कर सामने आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग भैया जो शेन मैकमैन है उनका WWE का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और इंटरेस्टिंग इससे भी बड़ी बात क्या है कि भैया अभी तक उनको कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं किया है। और आप तो बोलेंगे भैया वो तो म्यूजिक मैन के बेटे हैं उनको कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है WWE में। WWE में कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी हो उसको कॉन्ट्रैक्ट होता ही है और उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। और शेन मैकमैन अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू WWE के साथ नहीं किया है, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है शेन मैकमैन के साथ। या क्या शेन मैकमैन क्या कुछ थिंग बड़ी करने वाले हैं, या फिर क्या वो कुछ दिनों में थोड़ी देर में जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करेंगे। भले इसके ऊपर आपको क्या लगता है, आपके सबसे क्या ये सारी थिंग है, क्या शेन मैकमैन अपना रिटर्न करने वाले हैं, या फिर क्या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने के बाद वो किसी और कंपनी के साथ जाएंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन अब आप लोग बात कर लेते हैं आज के हमारी वीडियो के मेन वायरल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है इस बार अपने रोमन रेंस के बारे में, क्योंकि रोमन रेंस ने भी अपना कमेंट किया है उनके रॉकी ट्रिपल थर्ड मैच के ऊपर जो वो फेस कर रहे थे रॉ में बिगी और बॉबी लैशली को एक ट्रिपल थर्ड मैच में। और भैया इसके ऊपर वो अपना रिएक्शन देते हैं, उनका एक इंटरव्यू होता है हाल ही में, और वो बात करते हैं कि देखो जो मेरा ट्रिपल थर्ड मैच था वो काफ़ी कमाल का था, उसके अंदर जो बिगी है बॉबी लैशली वो काफ़ी पावर हाउसेस है, वो काफ़ी तगड़े हैं, और मुझे मैच रेसल करने के बाद ऐसा वो फील हुआ कि ये दोनों काफ़ी तगड़े बंदे, ये कॉम्पिटेटर्स बहुत तगड़े हैं। रोमन रेंस का भी अपने ओपोनेंट्स की तारीफ करती रही, लेकिन रोमन रेंस ने कहा कि वो काफ़ी अच्छे हैं और भैया उनके अंदर मैच उनके साथ मैच रेसल करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। वाले इसके ऊपर आगे और से आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, यूजुअली रोमन रेंस ऐसी थिंक करती नहीं, वाले ऐसे की भले आप थोड़ा सा आपके बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये वीडियो कैसे लगी। बाय द वे ये भी मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और वैसे आपका हमारा जो गेमिंग चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके उसे भी जाके चेकआउट करो। तो भैया बस आज की हमारी ये वाली वीडियो बस ये तक थी गाइस, आपको हमारी आज की अगर ये वाली वीडियो अगर पसंद नहीं होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कर सकती इवन आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भैया जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा गेमिंग चैनल का लिंक और साथ में भैया सेकेंड चैनल का भी लिंक, तो भैया उसे जाके सब्सक्राइब करना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।